ये देखिएगा कार्बोरेटर लगा हुआ है, ये है बजाज प्लेटिना 110। जी हाँ, 110 सीसी के सेगमेंट में इंडियन मार्केट में इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा बिकती भी है। यदि आप भी अपने लिए 100 सीसी 110 सीसी के सेगमेंट में एक बेस्ट बाइक सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इस बाइक का डिटेल बैकग्राउंड करने वाले हैं और जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में कंपनी जो है इसमें क्या कुछ दे रही है, क्या हमको ये बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे, अभी अपने साथ में ब्लैक एंड ग्रे की कॉम्बिनेशन के साथ में खड़ी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें आपको रेड कलर भी मिल जाएगा, ब्लू कलर भी मिल जाएगा और ब्लैक कलर में आपको और भी कलर के स्टिकर्स मिल जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की। इस मोटरसाइकिल का कर्व वेट है 119 किलो, इसकी सीट हाइट है 807 mm, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भाई 200 mm का मिलता है सेगमेंट में सबसे ज़्यादा, और इसका व्हील बेस है 1255 mm का। इसकी लंबाई है 1100 mm की, चौड़ाई है 741 mm की और इसकी ओवरऑल लेंथ है 2006 mm की। आइए अब इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं, चारों तरफ से देख लेते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, राइट से प्रोफाइल इसकी कुछ इस तरीके की है और फ्रंट से प्रोफाइल कुछ ऐसी है। ये देखिएगा, पास से दिखाता हूँ, इसके हेड हैंडल ORBM का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है। इधर ये हाफ ट्रांसपेरेंट वाइजर दिया गया है, इधर ये नट्स मिल जाते हैं, साइड में ये ग्राफिक्स दिए गए हैं और इग्निशन के ऑन होते ही ये देखिएगा DRL मिलता है जो कि ऑन हो जाता है। हेडलाइट को भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखना, इसमें डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, बटन मैं आपको आगे दिखाऊंगा। साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब के साथ में है, कुछ इस तरीके के पैटर्न में दिए गए हैं। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं और भाई इधर ये देख कम्फर्टेक को मैंसन किया है। इस मोटरसाइकिल के फ्रंट बडगार्ड का पैटर्न कुछ ऐसा है। इधर ये ग्राफिक 17 इंच के अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं और सेगमेंट में सबसे अलग, सबसे हटके इसमें अलॉयस मिलते हैं। सस्पेंशन पर दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स, एंटी स्किड ब्रेकिंग इसमें मिल जाती है। बात कर लेते हैं टायर की, JK कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं और फ्रंट टायर प्रोफाइल है 80-100-17। फ्रंट टायर में ग्रस्त कुछ इस तरीके की है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, इसमें IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, फ्रंट व्हील में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम और स्पीडोमीटर का कनेक्शन फ्रंट व्हील से ही मिलता है। इस मोटरसाइकिल के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, इधर ये प्लेटिना का स्टिकर लगा हुआ है, ग्राफिक्स कुछ इस तरीके के मिलते हैं, इधर ये टैंक पैड लगा हुआ है, E20 का सपोर्ट है, 11 लीटर की फिल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस एंगल से मैं आपको इस बाइक के हैंडल के डिज़ाइन को दिखाता हूँ जो कि कुछ ऐसा है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, ऑन का बटन, राइट हैंडल पर डेडिकेटेड हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए स्विच और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है। और भाई यहाँ पर ये देखो, इसके ग्रिप्स पर कम्फर्टेक को मैंसन किया गया है और ये भी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कम्फर्ट वाली रबर लगाकर कंपनी दे रही है। चाबी की अगर बात की जाए तो ये देखिएगा, कंपनी इस बाइक के साथ में 2 चाबियाँ ऑफर करती है, नॉर्मल कीज देती है और इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, नॉर्मल इसमें मीटर मिलता है। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, राइट साइड में फ्यूल गेज है और बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो है इसमें मिल जाते हैं। आओ वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की, इस बाइक में कंपनी ने 115.45 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 फेस्ट वाला FI इसमें नहीं मिलता है, फ्यूल इंजेक्शन नहीं मिलता है, इसमें कार्बोरेटर मिलता है, 4-stroke 2-valve बजाज कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का कम्यूटर इंजन लगाकर दिया है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.48 bhp की 7000 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 9.81 Nm का 5000 rpm पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी काफ़ी ठीक ठाक निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में मैं आपको प्रॉपर आगे बताऊंगा। ये देखिएगा, कार्बोरेटर लगा हुआ है एंड इसमें 4 गियर मिलते हैं, सभी गियर आगे की तरफ लगते हैं, सिंगल लीवर नहीं है, डबल वाला लीवर है, राइडर फुटपैड फोल्डेबल नहीं मिलता है, सेफ्टी पॉइंट WC साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर, सेंट्रल स्टैंड इसमें दिया गया है एंड इसमें ये क्रैश गार्ड लगा हुआ है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। सीट सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लंबी मिलती है इसमें, कंपनी ने देखिएगा कम्फर्टेक को मेंशन किया है, यहाँ पर ये 110 कम्फर्टेक को मेंशन किया है। ट्रैवल का पैटर्न इसका कुछ इस तरीके का है। चेन सेट कवर ये फाइबर में दिया गया है
बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने ये देखिएगा डुअल स्प्रिंग में एंड्योरेंस नाइट्रॉक्स मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर किए हैं। पिलियन फुट पैड, थ्रीडी फुट पैड, साड़ी गार्ड इसमें मिल जाता है। रियर टायर की अगर बात की जाए तो भाई रियर में भी कंपनी ने जेके कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है। रियर टायर प्रोफाइल है 8017 और रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। रियर से प्रोफाइल इसके कुछ इस तरीके की है, टेल लाइट हैलोजन बल्ब में, साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में और ये फ्लेक्सिबल मिलते हैं। रिफ्लेक्टर इधर ये मिल जाता है। ये डेल का पैटर्न इसका कुछ इस तरीके का है। बात करते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। रियर व्हील में कंपनी ने 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। इसके एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, सिंगल बैरल एग्जॉस्ट है। इस पर ये सिंगल मफलर मिलता है जो कि क्रोम में है। पिलियन फुट पैड इधर ये 110 कंफर्ट टेक को मेंशन किया है। यहाँ से ये खुल जाता है और सीट जिसकी इसको खुलने के बाद ही ओपन होती है, ये देखिएगा एडिशनल इधर ये प्रोटेक्शन लगा कर दी है और किक के लिए भी इधर ये एडिशनल प्रोटेक्शन लगा कर दी है। इस बाइक में किक स्टार्ट का फीचर मिलता है। इधर ये बजाज की ब्रांडिंग, रियर ब्रेक लीवर, कार्बोरेटर सिस्टम। भाई डिटेल वॉक अराउंड कर लिया, आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सिंगल एडमेंट पर ये बाइक स्टार्ट हो गई और बाइक स्टार्ट हो ना हो आप इसकी हेडलाइट को कंट्रोल कर सकती हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया। आइडियल कंडीशन पर इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट नोट सुनिए। थ्रॉटल देता हूँ, कैसा लगा इंजन साउंड कमेंट करके बताओ भाई। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। बजाज कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 5 साल और 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई कार्बोरेटर बाइक है, लगभग ये 110 cc के सेगमेंट में 70-75 के बीच में आराम से निकल कर दे देगी। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं। ये नॉर्मल एडिशन में आती है ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में, अभी इसका बेस वेरिएंट है। इसके ऊपर आता है डिस्क वेरिएंट जिसमें आपको ABS भी मिल जाएगा और उसमें आपको 5 गियर मिलेंगे, इस वाले में आपको 4 गियर मिलते हैं, ठीक है। इसकी एक्सोन प्राइस है लगभग 71,000 रुपये, 71,000। ऑन रोड आते आते ये आपको 85,000 यानी कि 85,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आपके वाला फायदा ही मानेगा क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की प्राइस होते अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। प्रोज एंड कॉन की अगर बात की जाए तो भाई सिंपल एंड सोवर है, एकदम एवरग्रीन वाली है, ठीक है। जिन लोगों को भी अभी तक भी फ्यूल इंजेक्शन पसंद नहीं है, ये बाइक उनके लिए सबसे बेहतर है क्योंकि प्लेटना के अलावा अब कोई भी कार्बोरेटर नहीं मिलता है, किसी और बाइक में प्लेटना में ही आपको मिलेगा, चाहे 100 cc ले लो चाहे 110 cc ले लो। यार देख रहे हो पसीना निकल रहा है, 48 डिग्री में सूट करूँगा, लाइक तो बनता है। हाँ कॉन की अगर बात की जाए तो भाई कॉन है कि भाई प्लेटना में अभी तक फ्यूल इंजेक्शन नहीं आ पाया है, तो कुछ लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट है। प्राइस भी ठीक है भाई, इंजन से परफॉर्मेंस भी काफ़ी ठीक ठाक निकल जाती है। एंड ओवरऑल मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, कंपनी जो पैकेज दे रही है उसके अकॉर्डिंग ये बाइक मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दो यार, मैक्सिमम शेयर कर दो। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट करने ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड एबी पर फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।